टुडेज टॉपिक इज फ्लिप फ्लॉप ट्रिगरिंग मेथड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप कौन से टाइप के होते हैं, हम उन्हें कैसे डिजाइन करते हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स थे वो हमने सारे देख लिए थे। नेक्स्ट जो हम फ्लिप फ्लॉप पे स्विच करेंगे उससे पहले एक हमें क्लॉक पल्स जो है वो कैसे सप्लाई होती है जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कौन से इवेंट्स होते हैं। तो क्लॉक पल्स का एक मेन जो है उसको टर्म हम यूज़ करते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग इन अ फ्लिप फ्लॉप वी कैन से व्हेन वी सप्लाई द क्लॉक पल्स इनेबल और हाई क्लॉक पल्स और द पॉजिटिव क्लॉक पल्स टू योर फ्लिप फ्लॉप देन ओनली फ्लिप फ्लॉप कैन प्रोड्यूस द आउटपुट। दैट मीन्स आउटपुट जो उसके प्रीवियस स्टेट है उससे नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जब उसको क्लॉक पल्स इनेबल मिलेगा तभी वो उसे चेंज कर पाएगा। अदरवाइज इनपुट का कोई भी फर्क आउटपुट पे नहीं पड़ता है अगर क्लॉक पल्स इनेबल ना हो, अगर वो हाई ना हो तो। तो अब इसको कैसे हम एंड द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप कैन चेंज बाय ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट सिग्नल। द स्मॉल चेंज कैन बी ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्स कॉमनली यूज्ड एज राइट। क्लॉक पल्स क्या होती है? क्लॉक पल्स जो है वो हमारी होती है 0 और 1 एट अ टाइम इंटरवल, जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो रखते हैं ट्रांजिशन में। और क्लॉक पल्स जो है वो हमारी पॉजिटिव पल्स तब होती है जब वो लो से हाई की तरफ जाती है, यानी 0 से 1 की तरफ जाती है। जब वो 1 से 0 तक की तरफ जाएगी तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यानी हाई से लो की तरफ जाएगी। उस टाइम पे वो पल्स हमारी निगेटिव होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो हमारी होती है पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ आती है तो होती है निगेटिव राइट। यहाँ पे हम इसका जो क्लॉक पल्स का डायग्राम है वो देखेंगे। तो हमारी क्लॉक पल्स क्या है, जब हम 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉक पल्स हमारी जो है वो लो से हाई बनी हुई है, और जब निगेटिव दिखा रहे हैं तो हम हाई से लो की तरफ एक क्लॉक पल्स जा रहे हैं। ये हमारा क्या होता है 0 to 1 और 1 to 0, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन। एक सिग्नल जब हम भेजते हैं तो उसमें 2 ट्रांजिशंस लगते हैं, तो 0 to 1, 1 to 0। When it moves from 0 to 1, it is called a positive. When it moves from 1 to 0, it is negative, right? ये हमें clearly image से समझना है। Next अब हम high level trigger, इसको थोड़ा सा detail में देखते हैं। High level triggering क्या होती है? जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं 0 से 1 की तरफ, यानी positive पे image आ रहे होते हैं, तो वो हमारी होती है high level triggering, जिसको हम block diagram में इस तरीके से represent करते हैं, जहाँ हम सिर्फ उसके एरो से क्लॉक को दिखा सकते हैं। तो दैट इज हाई लेवल ट्रिगरिंग राइट। लो लेवल ट्रिगरिंग पे आ जाते हैं, तो जब हमारी क्लॉक पल्स जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ होती है, लो हो गई क्लॉक हमारी। उस टाइम पे हमारा जो है नीचे की तरफ, इसको हम हाईलाइट करके दिखाया हुआ ट्रिगर ऑफ दी लो क्लॉक लेवल। और जब ब्लॉक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक इन्वर्ट यानी बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी क्लॉक जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का या रजिस्टर का डायग्राम है उसमें जहाँ पर भी क्लॉक पल्स हम सेंड कर रहे हैं अगर वो बबल के साथ है तो दैट मीन्स लो लेवल, यानी कि दैट इज इन्वर्ट वैल्यू। अब पॉजिटिव एज और हाई लेवल लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि उसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं जब वो 0 से 1 की तरफ जाती है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम में इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल बना रखा हुआ है तो दैट मीन्स इज अ हाई लेवल पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, एज ट्रिगरिंग को हम इस तरीके से दिखाते हैं जब हम बबल के साथ ट्राइंगल होता है, यानी कि हमारा जो है वैल्यू 0, 1 से 0 की तरफ जा रही है, यानी हाई से लो की तरफ जा रही है, तो वो हमारा क्या होता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो जब हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती है, हाई लेवल एज ट्रिगरिंग होती है, तभी हमारा इनपुट वैल्यू चेंज होगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में हमारी आउटपुट वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इनपुट जो जाएगा वो वेरी करेगा आउटपुट के लिए। और जिस केस में हमारी इन लो क्लॉक पल्स लो जाएगी यानी निगेटिव जाएगी, उस केस में हम आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। तो ये हमारी है ट्रिगरिंग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। हमारा एक फ्लिप फ्लॉप रहता है जिसमें हम ये समझते हैं कि जब दो
ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स जो है हम एक साथ कंबाइन करते हैं, जिसमें एक मास्टर के तरीके से काम करता है, दूसरा स्लेव। मास्टर और स्लेव का क्या मतलब है कि जो सेट और रीसेट की वैल्यू वो डायरेक्टली मास्टर फ्लिप फ्लॉप में जाती है, और जो उसका आउटपुट है वो अटैच होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप से, और वो उसको एज ए इनपुट लेता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। क्लॉक पल्स जो है वो हमारी पहला जो मास्टर स्लेव मास्टर फ्लिप फ्लॉप है उसमें डायरेक्ट क्लॉक पल्स जाती है, और जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसमें वो इन्वर्ट होकर के जाती है। यहाँ पर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया है, इसमें क्लॉक पल्स जो है वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव क्लॉक पल्स जा रही है, और जो आउटपुट है वो हमेशा हम स्लेव के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो स्लेव में ही हमको रिजल्टेंट आता है, राइट। इसकी क्लॉक पल्स हम इस तरीके से बना सकते हैं, हमेशा हर केस में हमारे पास क्लॉक पल्स इनेबल ही जाएगी यानी वन ही जाएगी। व्हेन द सीएलके क्लॉक पल्स वन होती है, द मास्टर जेके जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो डिसेबल हो जाता है, और सीएलके इनपुट ऑफ द मास्टर इनपुट विल बी अपोजिट टू द स्लेव इनपुट। तो हमेशा क्योंकि इसमें क्लॉक पल्स इनवर्ट जा रही थी, सो मास्टर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्लेव फ्लिप फ्लॉप ओनली व्हेन द क्लॉक वैल्यू बिकम्स जीरो। क्योंकि वन के केस में जेके फ्लिप फ्लॉप जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो जाता है, गेट डिसेबल हो जाता है। व्हेन द क्लॉक पल्स जो है वो हमारी वन टू जीरो होती है, तो लॉक्ड आउटपुट जो होता है ऑफ द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज फेड थ्रू द इनपुट ऑफ द स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यानी कि पहला वाला जब डिसेबल होता है, राइट, तो दूसरे में हमारा इनपुट जाता है फॉर मेकिंग फ्लिप फ्लॉप एज पल्स ट्रिगर्ड। टू अंडरस्टैंड द बेटर, इसको हम कैसे समझते हैं, ये देखिए इसकी क्लॉक पल्स का है, जो क्लॉक पल्स जा रही है और उसके बाद पहले हमारा जो है वो हाई जाता है, देन दो लो जाएगा, और फिर जो है स्लिप फ्लिप फ्लॉप में जाकर के वैल्यू एंड देन रीसेट होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रजिस्टर। अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारा क्या करता है, वन बिट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करता है। तो अगर हमें किसी डिजिटल सर्किट के अंदर दो बिट ऑफ डेटा स्टोर करना होगा तो व्हाट वी नीड टू रजिस्टर, टू फ्लिप फ्लॉप। इफ यू वांट टू स्टोर फोर बिट ऑफ डेटा वी नीड फोर फ्लिप फ्लॉप। तो व्हेन वी वांट टू स्टोर एन बिट ऑफ डेटा, व्हेन वी वांट टू प्रोसेस एन बिट ऑफ डेटा वी नीड एन बिट एन फ्लिप फ्लॉप्स, एंड दोस एन फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड रजिस्टर्स। यानी कि जब हमारे पास सेट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए हमको एक सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत होती है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं रजिस्टर, राइट। अब रजिस्टर जो है बेसिक हमारे स्टोरेज इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके शिफ्ट रजिस्टर वेरियंट्स में। रजिस्टर है जिस रजिस्टर के अंदर हमारे चार क्यू फ्लिप फ्लॉप्स हैं, चार डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और ये डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो पैरेलली एक दूसरे से अटैच्ड है। तो ये जो पैरेलली एक दूसरे से अटैच्ड है, इनमें इनपुट भी पैरेलली आ रहा है चारों का अलग अलग, और आउटपुट भी पैरेलली जा रहा है। तो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर हमारे इनपुट और आउटपुट हुए। ऐसा ही जो है वो हमारा सीरियल इनपुट है, फ्रॉम विच डेटा कैन बी इंटर्ड बिट बाई बिट, वाइल एस ओ क्या है, सीरियल आउटपुट है, फ्रॉम विच data can be retrieved from bit by bit, right? So, अब now the load is used to, you know, load किस लिए use करते हैं हम? Load input is used to load data parallel, while clear जो है वो हम उसको data को reset करने के लिए use करते हैं। क्लॉक पल्स जो है वो हमारी कॉमन होती है, जो कि हमारे along with the four जो हमारे फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट रजिस्टर। अब ऐसे रजिस्टर्स जो कि डेटा की इंफॉर्मेशन को विद इन द रजिस्टर वन बिट शिफ्ट कर सकते हैं इधर फ्रॉम लेफ्ट और फॉर राइट आर कॉल्ड द शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं, और कुछ एक हमारे बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट दोनों में सेव करते हैं। तो इन जनरल डेफिनेशन वी कैन से कि जो रजिस्टर हमारे जो है, जब हमारे अंदर हमारे फोर बिट का रजिस्टर है उसके अंदर फोर फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और उन फोर फ्लिप फ्लॉप्स में अगर एक बिट ऑफ डेटा जो है वो सेकेंड रजिस्टर टू थर्ड रजिस्टर वन वन बिट शिफ्ट होना है, तो अगर वो लेफ्ट की तरफ डेटा शिफ्ट कर रहा है तो वो लेफ्ट रजिस्टर है, और राइट की तरफ डेटा शिफ्ट कर रहा है तो वो राइट रजिस्टर है, और जो दोनों तरफ डेटा शिफ्ट कर सकते हैं वो हमारे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं।
रजिस्टर्स के हमारे पास जो है वो चार टाइप के होते हैं, जिनमें इनपुट आउटपुट जो है वो चार तरीके से आता है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसका सिंपल मतलब हमको क्या समझ में आता है कि नीचे देखें हम डायग्राम, जिसमें हमारे पास एक सीसो का एग्जाम्पल है, जिसमें मेरे पास सीरियल इनपुट आ रहा है और सीरियल आउटपुट आ रहा है, चार फ्लिप फ्लॉप हैं, चारों फ्लिप फ्लॉप आपस में सीरियली यानी सिक्वेंशियली जुड़े हुए हैं, पहले वाले का आउटपुट जो है वो दूसरे वाले के लिए इनपुट है, क्लॉक पल्स हमारे दोनों में सारे फ्लिप फ्लॉप में कॉमन है, तो ये हमारा एक सीसो का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जिसमें वन बिट ऑफ डेटा एंट्री तो होती है लेकिन डेटा आउटपुट जो है वो पैरेलल मोड में जाता है, नहीं एक साथ आउटपुट निकलता है, वो हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट भी उसी तरीके से कि डेटा पैरेलल ही आता है और सिंगल बिट में आउटपुट जाता है। पैरेलल इन पैरेलल आउट जो है वो हमारा डेटा पैरेलल ही आता है और पैरेलल ही जाता है, जो हमने लास्ट में अभी लास्ट उसमें डायग्राम डिस्कस किया था। तो ये जो है हमारे सारे टॉपिक थे, व्हाट इज ट्रिगरिंग, व्हाट आर दी जेके फ्लिप फ्लॉप, हाउ इट इज डिजाइंड, व्हाट आर दी रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट दे इंटर्ड, और नेक्स्ट टॉपिक इसको कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।